अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ W5 सीरीज़ एंड 7 सीरीज़ 2002 मॉडल से 2007 मॉडल तक के सस्पेंशन की। आया आपको इसका रिव्यू देता हूँ। सबसे पहले आते हैं आर्म्स, इनको हम टेक्निकल लैंग्वेज में विशबोन्स भी कहते हैं। यूजली छोटे आर्म्स को हम लोअर आर्म्स एंड बड़े आर्म्स को अपर आर्म्स कहते हैं। विशबोन्स आए आपको इसका रिव्यू देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम इनको विशबोन्स कहते हैं। ये लोअर आर्म है, ये अपर आर्म है, ठीक है। इसके बॉल जॉइंट्स जो होते हैं ये टाइट होने चाहिए। दूसरा भी दिखाता हूँ आपको, बहुत टाइट है, ठीक है। इनको टाइट होना चाहिए, इनमें प्ले नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ हैं, इनमें किसी किस्म का क्रैक नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें किसी किस्म का क्रैक नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं जेड लिंक, अभी आपको बताते हैं। इनको हम टेक्निकल लैंग्वेज में स्वे बार या स्टेबलाइजर लिंक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये सॉफ्ट होते हैं वो, ठीक है। ये देख रहे हैं आपको, इसको ये सॉफ्ट है, बहुत फ्रीली मूव करता है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट है। इसमें भी एंड्स में प्ले नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी किस्म की भी प्ले नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें प्ले होगी, एंड्स जितने भी हैं, अगर इनमें प्ले होगी तो आपका सस्पेंशन जो है वो नॉइजी होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।